కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలతో రైతులకు కొత్త హక్కులు అవకాశాలు వస్తాయన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మంత్లీ రేడియో ప్రోగ్రాం మన్ కీ బాత్ లో డెబ్బై ఒకటవ ఎపిసోడ్ లో మాట్లాడారు మోడీ దశాబ్దాలుగా రైతుల డిమాండ్లపై రాజకీయ పార్టీలు చేసిన వాగ్దానాలు ఇప్పుడు నెరవేరాయన్నారు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతులు భారీ ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్న నేపథ్యంలో మన్ కీ బాత్ లో ఈ కామెంట్స్ చేశారు మోడీ తాము తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు రైతుల సంఖ్యలను తెంచాయన్నారు మోడీ बरसों से किसानों की जो मांग थी जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई है काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं नए अवसर भी मिले हैं इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया ये आपको भी जानना चाहिए जितेंद्र भोईजी ने सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया फसल की कुल कीमत तय हुई करीब तीन लाख बत्तीस हजार रूपये जितेंद्र भोई को पच्चीस हजार रूपये एडवांस भी मिल गए थे तय तो ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें पंद्रह दिन में चुका दिया जाएगा लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला किसान से फसल खरीद लो महीनों महीनों पेमेंट न करो संभवतः तो मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे इसी तरह चार महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं जो नए कृषि कानून बने हैं वो उनके काम आए इस कानून में यह तय किया गया है कि फसल खरीदने के तीन दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है कानून में एक और बहुत बड़ी बात है इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को एक महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी